यूक्रेन संकट का सबसे ज्यादा असर पेट्रोलियम की सप्लाई पर पड़ने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। यह रोजाना करीब 1.1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है, हालांकि यह इसका आधा हिस्सा खुद इस्तेमाल करता है। यह रोजाना करीब 50 से 60 लाख बैरल एक्सपोर्ट भी करता है। अभी दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पर रूस है, सऊदी अरब तीसरे पायदान पर है। रूस के साथ खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों को करता है। कुल एक्सपोर्ट का करीब आधा हिस्सा यानी 25 लाख बैरल वह रोजाना यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इनमें जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, ग्रीस आदि शामिल है। यूरोप को रूस के एक्सपोर्टर का करीब 1/3 हिस्सा दुरुजवा पाइपलाइन के जरिए होता है, जो बेलारूस से होकर जाती है। रूस पर बढ़ते प्रतिबंध को देखते हुए रोजाना 7 लाख बैरल की इस सप्लाई को निशाना बनाया जा सकता है। इस सप्लाई के पेमेंट पर रोक भी लगाई जा सकती है या बेलारूस की सीमा पर इसकी सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है। 2019 में यूरोपीय देशों ने कई महीनों के लिए दुरुजवा पाइपलाइन से गैस की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह तब पाइपलाइन में क्रूड ऑयल में ऑर्गेनिक क्लोरोफ्राइड मिक्स हो जाने का खतरा था। इसके चलते यूरोप की रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरोप को रूस से ऑयल की बाकी डिलीवरी शिप के जरिए होती है। शिप यूरोप के कई पोर्ट पर ऑयल की डिलीवरी करता है। रूस से ऑयल खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश चीन है। वह रोजाना रूस से 16 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदता है। इसमें से आधा हिस्सा एक स्पेशल डायरेक्टर पाइपलाइन या ईस्टर्न सर्बिया पैसिफिक ओशन पाइपलाइन से चीन को जाता है। रूस पर प्रतिबंध का उसकी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि रूस की इकोनॉमी में ऑयल एक्सपोर्टर्स का बड़ा योगदान है। पिछले साल ऑयल एक्सपोर्टर्स से रूस को 110 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। ये नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से रूस को होने वाली कमाई के मुकाबले दुगुना है। अभी से रूस की ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रूस पर प्रतिबंध और बढ़ने के डर से यूरोपीय देशों ने स्पॉट कार्गो से डिलीवरी लेनी देनी बंद कर दी है। इधर भारत ने रूस से काफी डिस्काउंट पर एक बड़ा सौदा भी किया है। इससे पहले वेनेजुएला और ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद दोनों देशों को इसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।